हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडल में कोरोना वायरस की चुनौतियों की समीक्षा। राशन वितरण की मिली जानकारी, कहा कोरोना वायरस के बचाव में आ रही कमियों को करें पूरा। लॉकडाउन के दौरान विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत मनरेगा, वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, दिव्यांगजन पेंशन सहित किसान सम्मान योजना श्रम विभाग के श्रमिकों में वितरित की गई धनराशि, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। कोरोना वायरस के मद्देनजर रामनवमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में होने वाला परंपरागत कन्या पूजन कार्यक्रम किया गया निरस्त। मंदिर के सचिव ने कहा कन्याओं के घर पहुँचाया गया दक्षिणा और पूजन सामग्री। डीएम और एसएसपी ने मनटांगिया व मुसहर बस्ती का किया निरीक्षण। राशन वितरण प्रणाली का भी लिया जायजा। लॉकडाउन का पालन करने की अपील, कहा घर रहे घरों के अंदर जिससे लड़ा जा सके कोरोना से जंग। निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर सामान बेचने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किए जाने पर एसडीएम सदर ने की कार्रवाई, किया तारामंडल स्थित सुपर मार्केट को सील, मुकदमा कराया दर्ज। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बस्ती जिले के युवक की हुई मौत के बाद उसके सैंपल में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद संपर्क में आए डॉक्टर, स्टाफ नर्स, चतुर्श्रेणी कर्मचारी और एम्बुलेंस चालक को किया जा रहा क्वारंटाइन, इनकी जांच के लिए भेजे गए सैंपल। गुरुवार की सुबह लॉकडाउन की स्थिति का एसपी सिटी ने लिया जायजा, कहा उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। पूर्वोत्तर रेलवे कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए पूरी तरह है प्रतिबद्ध, ट्रेनों की बोगियों को आइसोलेशन वार्ड का रूप देने का कार्य किया शुरू। कलेक्ट्रेट स्थित कंट्रोल रूम का एडीएम सिटी ने किया निरीक्षण, सब्जियों के दामों पर आ रही शिकायतों को दूर करने के दिए निर्देश। शासन के निर्देश पर दूसरे दिन भी श्रमिकों एवं अंत्योदय कार्ड धारकों को मुफ्त में दिया गया राशन, एसडीएम सदर ने कहा नियमित जारी रहेगा राशन वितरण। लॉकडाउन के दौरान महवा सब्जी मंडी में वितरण व्यवस्था आई पटरी पर, सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा ठेला सब्जियों के अलावा गाड़ियों से भी की जा रही सब्जी की वितरण। महिला थाना की टीम द्वारा जरूरतमंदों को खाने का पैकेट और पानी किया गया वितरित, लोगों को सामाजिक दूरी बनाकर रहने के लिए किया गया जागरूक। इलाहीबाग के पार्षद के नेतृत्व में पूरे वार्ड को कराया गया सैनिटाइज, नागरिकों से घरों में रहने की गई अपील। रोटी बैंक के द्वारा दूसरे दिन भी असहाय निराश्रितों को वितरित किया गया भोजन, ताकि मिल सके भूख से राहत। और लॉकडाउन के दौरान गुरुवार को भी पूरे महानगर की सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा, बेवजह घूमने वालों पर हुई कार्रवाई।